नजरा बनाए रखी। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बहरहाल बीजेपी के हिंसा के इस आरोपों पर टीएमसी ने पलटवार किया है। पार्टी के नेता सौगत रॉय ने कहा है कि सुसाइड तक के मामलों को बीजेपी राजनीतिक हत्याओं का रंग दे रही है। सर ये बताइए, जिस तरह का रिमार्क कल प्रधानमंत्री ने खुद बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? वो तो प्रधानमंत्री तो पश्चिम बंगाल का नाम नहीं किए है। अगर पश्चिम बंगाल के ओर उनको निशाना है तो मुझे ये कहना है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस शासन में है, तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, ना हम राजनीतिक हिंसा करते हैं। अगर कहीं ऐसा घटना होता है तो हम उसको निंदा करते हैं। हम प्रशासनिक ओर से और सांगठनिक तरीका से उसको मुकाबला करते हैं, लेकिन बीजेपी लाश का तलाश में है। कहीं भी कोई आदमी प्रेम में व्यर्थ होके खुदकुशी करते हैं तो वो बोलते हैं वो भी बीजेपी का केंद्र। कल भी मिदनापुर में किसी का मृत्यु हुआ है, बीजेपी कह रही है वो अपना पार्टी करता है और कार्यकर्ता है और तृणमूल ने मारा। हाँ, वो कहीं भी लोग आत्महत्या करते हैं वो बोलते हैं हमारा पार्टी का आदमी मर गया, ऐसा तो कोई सबूत नहीं है। हर मौत के बाद, हर मृत्यु के बाद पुलिस छानबीन करता है, पोस्टमार्टम होता है, तो ये तो प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। बीजेपी ऐसे ही कोई भी आत्महत्या करता तो उसको बोलता है कि हमारा पार्टी का कैडर। अमित शाह कहते हैं कि 100 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार डाला है पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में। ये अमित शाह का गलत हिसाब है, ये उनको होम मिनिस्टर होके नहीं देना चाहिए। हम तो चाहते है वो एक व्हाइट पेपर पब्लिश करे, वो दिखाए कि पुलिस का रिपोर्ट के अनुसार कहां किसको हत्या हुआ है, तब हम उसको जवाब देंगे एक एक करके। ऐसा ही कोई फिगर बोल देने से वो साबित कुछ नहीं होता है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल को जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बिल्कुल बदहाल है, ब्रेकडाउन हो गया है, इसको इस चार्ज को कैसे देंगे? आप तो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, इसे रास्ता में घूमते हैं, ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ब्रेकडाउन हुआ? ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक तो नैरेटिव बनाया जाता है बीजेपी की ओर से, और बीजेपी और उसके पहले आरएसएस, ये तो झूठा प्रचार में माहिर है। फिलहाल यहां रुकेंगे।